यहाँ से भी दिखूंगा मैं ही दिखूंगा। ये तो फाइंड है। सबसे पहले गणपति बप्पा मौर्य, आप सभी को मेरी यानी करिश्मा राव की तरफ से, हम सबकी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस बार क्योंकि गणपति हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, पिछले साल बहुत ज़्यादा था, इस बार हम घर पे लाए हैं, सो ये हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहा। और बप्पा की सेवा करने का मौका एज़ यूजुअल इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से मिला, क्योंकि घर पे रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें एडिशनल ऐड हो जाती हैं। सो इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत ही तीन दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन गुजरे, और आज तीसरे दिन यानी हम सब जाएंगे शाम को बप्पा के विसर्जन के लिए। थोड़ा सा कुछ कुछ हो रहा है, मन मान नहीं रहा है विसर्जन करने के लिए, लेकिन बार बार बस उन्हें देख के यही बोलने का मन कर रहा है कि पप्पा अगले साल जल्दी आइए और अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ, सबके लिए बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आइए, और हम सब फिर से आपका स्वागत करने के लिए फिर से खड़े हैं आपको वेलकम करने के लिए। गणपति बप्पा मौर्य, आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अन पधारो श्री गणेश जी पूजा बारंबार, अन पधारो श्री गणेश जी पूजा बारंबार, रिद्धि सिद्धि साथ में लेकर आ जाओ एक बार, तेरी पूजा पहले होती जय हो, देवों के सरकार। पधारो गणपति देवा, ओ मेरे गणपति देवा। भगवान गणेश पधारे हैं, ये तीसरा वर्ष है, दो वर्ष तक हम लोगों ने बहुत अलग जगह पे किया था, इस बार भगवान गणेश घर पे आए हैं, और घर पे हमारे तमाम घर के लोग आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ जितने भी हैं, सब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हमारे दोस्त जुबेर भाई, और इधर आप देख सकते हैं पूरी टीम जो आई हुई हमारे रीवा से, सतना से, सीधी से, मध्य प्रदेश के तमाम लोग आए हुए हैं। शुभांगी भी आ जाइए, अविनाश भी हैं, ये पूरी टीम है आज हमारे यहाँ पर। शैलू भैया हमारे बड़े भाई साहब, वो भी हमारे इस आयोजन में मौजूद हैं। करिश्मा जिन्होंने पूरा दरबार सजाया है खूबसूरत, बप्पा की सेवा में लगी रही। सुरुचि आ जाओ, आ गई हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बप्पा जब भी घर पे आते हैं तो अपना चमत्कार करके जाते हैं, वो अपना आशीर्वाद देके जाते हैं, और बप्पा से यही विनती है मेरी, अर्जी भी है यही, कि पूरा देश, पूरी दुनिया, सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बप्पा सबके भंडार भरें, सबको मस्त रखें। जैसा वो बप्पा रहते हैं, जैसा आपने देखा होगा कि बप्पा के कान बड़े होते हैं, यानी सुनते हैं, सबके सुनते हैं, वो सबके सुनते हैं और सभी के दुख को दूर करते हैं। उनकी सूंड लंबी है, यानी कि वो सबके सबको सूंघते हैं, अच्छी और बुरी चीज़ों को भी, क्या रखना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए ये सीखना है तो बप्पा से सीखिए। और मैं प्रकाश तिवारी मथुर आप सभी को प्रणाम करता हूं, और बप्पा से गुजारिश करूंगा, अर्जी लगाऊंगा कि आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति। क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, एक तो अपनों के बीच में यहाँ पे, और अभी हमने बहुत अच्छी एक सांगीतिक संध्या का आयोजन जो किया है वो चल रही है, तो यहाँ पे सुरमई जो एक भक्ति है उसके माध्यम से हम बप्पा को मना रहे हैं, रिझा रहे हैं, और एक फेयरवेल भी दे रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब मिल रहे हैं, और चाहूंगी कि जल्दी जल्दी आए और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए हम सबके जीवन में। क्या बात है, चलो भैया। नमस्कार प्रणाम, श्री गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामना बधाई, आप सभी के ऊपर श्री गणेश जी की कृपा, उनका आशीर्वाद बना रहे। वैसे भी जब भी हम किसी कार्य को शुभारंभ करते हैं, सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि सभी हमारे कार्य को सफलता रूप से पूर्ण करना। और वाकई में जो इनका नाम है गणेश,
गण का मतलब होता है समूह, और जो समूह का मुखिया होता है वही ईश है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही बड़ा है। और इसीलिए जो बड़ा है उसके सब कुछ बड़े हैं, नाक भी बड़ी, जैसे अभी छोटे भाई प्रकाश ने बताया, नाक बड़ी है, सब कुछ सूंघ के, कान से सबकी सुन के, अच्छी बुरी बात सारी चीज़ सुन के, और उसको उसके कर्मों अनुसार फल देते हैं, सारा रिजल्ट वो निकाल के, और उसके हिसाब से न्याय करते हैं, सबके साथ बराबर न्याय करते हैं। जिसका जो कर्म रहता है, जिसका जो काम रहता है, उसके हिसाब से ही वो न्याय करते हैं। और बस अब ज़्यादा आप सबसे नहीं बात कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा गाएंगे बजाएंगे, मस्ती करेंगे, और उसके बाद फिर बप्पा को विसर्जित करेंगे। फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। जुबेर भाई, जय श्री गणेश। बोलिए इधर। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आपका अपना जुबेर हाशमी, और आज मैं अपने भाई प्रकाश भाई के घर बप्पा के दर्शन को आया हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो पर्व है, इसमें हम अपने म्यूज़िक के, अपने संगीत के माध्यम से भगवान को खुश करते हैं, उनको मनाते हैं, उनको रिझाते हैं, ताकि हमें वो ऐसा हमेशा रखे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे और संगीतमय रखे। तो ये मैं फिर से ये दिल से गुजारिश करूँगा कि जल्दी आइए, अगले वर्ष आप फिर से आइए, और हम सभी को ऐसे ही अपने से मिलाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। बप्पा मौर्या, आप सबके ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा ऐसे निरंतर बनी रहे। हम 4 सालों से गणेश जी का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, उनको हम अपने पास अपने करीब रखते हैं, तो एक अलग सा लगाव होता है। अब इन 4 वर्षों में हमको उन्होंने वो दिया है जो हमने मांगा है। जब आते हैं तब से लेकर जब अगले साल फिर आते हैं, तो मुझे वही सब चीज़ें देते हैं जो मैं मांगता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, और मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे मिला है, मैं इनसे आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि वही सब चीज़ें आपको भी मिले।